सकरदरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत भांडे प्लॉट अन्ना भाऊ साठे पुतला चौक में एक घर के कंपाउंड वॉल से लगकर रात्रि के दौरान छिपकर बैठे चार युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ में उन्होंने खड़े ट्रक से डीजल चुराने की घटनाओं को अंजाम देने की बात कबूली है। सभी आरोपी मध्य प्रदेश निवासी है। जानकारी के अनुसार सकरदरा के सहायक पुलिस उपनिरीक्षक मधुकर टुले अपने सहयोगी के साथ बुधवार की रात गश्त पर थे। इस दौरान मध्य प्रदेश के शाजापुर लक्ष्मीनगर वार्ड नंबर 25 निवासी आरोपी खेमचंद उर्फ मोनू तुलसीराम जाटव, बजरंग कॉलोनी मुल्लीखेड़ा, तहसील जिला शाजापुर निवासी बिहारीलाल मालवीय, गोलू सुरेश जाटव, महेश जाटव सभी मध्य प्रदेश के निवासी सकरदरा परिसर के भांडे प्लॉट अन्ना भाऊ साठे पुतला चौक गायकी के घर से लगे कंपाउंड वॉल के पीछे कुछ गंभीर घटना को अंजाम देने की फिराक में होने का संदेह पुलिस को हुआ। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार किया और पूछताछ शुरू कर दी, जिसके बाद आरोपी गोलमोल जवाब देने लगे, जिसके बाद उन्होंने पुलिस की सख्ती बरतने पर बताया कि सभी मध्य प्रदेश के शाजापुर के निवासी है और उन्होंने नागपुर जिले के उमरेड़ तहसील के कोही रामटेक कलमेश्वर व बुटीबोरी में सड़क किनारे पार्क किए गए ट्रकों और लॉरी से डीजल चुराया है। पुलिस ने डीजल चोरी के अनेक मामले सामने आने की संभावना व्यक्त की है। पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश पुलिस से आरोपियों के बारे में जानकारी लेने पर पता चला कि सभी के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज है। यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त परिमंडल क्रमांक 4 विवेक मसाल, सहायक पुलिस आयुक्त विजय मराठे, अजनी विभाग वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सत्यवान माने, पुलिस निरीक्षक चंद्रकांत यादव के मार्गदर्शन पे की गई है। काल रात्री पहाटे 1 सुमारास एपीआय अवॉर्ड आणि पथक गस्त करीत असताना भांडे प्लॉट अन्नभाऊ साठे पुतळ्याच्या जवळ चार संशयित इसम मिळून आले, त्यामुळे ते अंधारात लपून बसले असल्याचे दिसून आले। त्यामुळे त्यांना चौकशी केली असता त्यांच्याकडून काही समाधानकारक उत्तर मिळालं नाही, त्यावरून ते कुठले तरी गुन्हा करण्याच्या उद्देशाने आणि स्वतःचं अस्तित्व लपवत असल्याचे निदर्शनास आले। म्हणून ते ताब्यात घेऊन त्यांना पोलीस स्टेशनला आणून त्यांच्यावरती मुंबई पोलीस कायदा 122 प्रमाणे कारवाई करण्यात आली। तर चौकशी दरम्यान त्यांच्याकडे ते डिझेल चोरी करण्याच्या उद्देशाने त्या ठिकाणी आलेले असल्याचे निष्पन्न झाले। त्यांच्याकडे डिझेल चोरीचे पाईप डिझेल काढण्याचे त्यांच्याकडे मिळून आले। ते मूळ चारही आरोपी हे मध्य प्रदेश येथील आहेत आणि ती महामार्गावर डिझेल चोरी करतात असं प्रथमदर्शनी त्यांनी सांगितलं होतं आपल्याला। त्यांना कोर्टात हजर केलं आणि दोषारोपपत्र असं जर हजर केलं असतं त्यांना त्यातून कोर्टानं दोषारोपपत्र स्वीकारून त्यांना चार्जही केला। कॅमेरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागडे के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, NBC News।